आमने सामने होंगी विद्या बालन और कुणाल खेमू की लूट केस और शकुंतला देवी, जिनकी टक्कर होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आमतौर पर थिएटर्स में हर हफ्ते नई फिल्में लगती थी और हर हफ्ते हमें कुछ फिल्मों की ऑन स्क्रीन टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अभी हमें ऐसा मुकाबला देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन यही मुकाबला अब हमें अपने मोबाइल फोन्स पर देखने मिलेगा, जब विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी और कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस 31 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर रही मैथमेटिशियन शकुंतला देवी की बायोपिक है। वहीं कुणाल खेमू की लूट केस एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश कृष्णन। और इस फिल्म में नजर आएंगे रसिक दुग्गल, रणवीर शौरी, गजराज राव और विजय राज। जल्दी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब और अजय देवगन और प्रियमणि की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, आलिया भट्ट और आदित्य राय कपूर की सड़क 2, विद्युत जामवल की फिल्म खुदा हाफिज और अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, जिसे ऑडियंस ने काफी सराहा है। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म लूट केस और शकुंतला देवी दोनों हिट साबित हो, जो ऑडियंस का खूब मनोरंजन करे। दोस्तों, इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।